नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि एक कुंडली कैसे बनाई जाती है, लग्न क्या होती है, कितने भाव होते हैं, कितनी राशियां होती हैं और कितने प्लैनेट्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने राशियों के अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन बताए, उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें एक रजिस्टर में नोट कर लिया होगा। जो भी साथी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं उन्हें एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, मगर कंडीशन ये है कि आप वीडियोस को सीरियल वाइज देखें और उनमें जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं या याद रखना जो ज़रूरी है उन्हें आप एक रजिस्टर में नोट कर लें। तो सीरियल वाइज ये आप देखेंगे तो आसानी से आप 15-20 मिनट रोज अपना देकर इजीली एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे और मेरी 20 या 25 क्लासेस के बाद आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी जानकारी रखने में कामयाब होंगे। अब आज मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा प्लैनेट्स का। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने राशियों का क्लासिफिकेशन बताया था, आज मैं प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ये क्लास नंबर 4 है तो आप सीरियल वाइज सभी क्लासेस के डिटेल्स को नोट करें, कोई वीडियो आपका छूट गया हो तो उसको फिर से देखें और आपके जो भी साथी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, परिवार में भी कोई लोग जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस देखें। मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, लिटरेचर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और मैं हिंदी में यहाँ पर बात करूँगा। अब बात होती है दो तरीके के प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन किया है, नेचुरल। नेचुरल का मतलब अपने आप में नेचर कैसा है। नेचुरल या नेचर का मतलब होता है हम बहुत लोगों से मिलते हैं, दो तरीके की नेचर होती है एक ही इंसान की। एक तो उसकी सामान्य नेचर है, बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है। एक वो दूसरे आदमी से व्यवहार किस तरीके से करता है, तो अलग अलग लोगों से उसका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कई बार वो किसी आदमी से अच्छा व्यवहार करता है, किसी से ख़राब करता है और उसकी एक्चुअल में नेचर कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेचुरल नेचर की, एक्चुअल में प्लैनेट्स की किस तरीके की नेचर होती है। तो प्लैनेट्स की दो तरीके की नेचर होती है, अलग अलग कुंडली के अंदर जो एक नीच प्लैनेट है या जिसको हम अशुभ बोलते हैं, वो प्लैनेट भी एक शुभ की तरह बिहेव कर सकता है। तो अलग अलग लोगों के चार्ट में प्लैनेट का अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मैलिफिक। और एक होता है उनका नेचुरल बिहेवियर। अभी हम नेचुरल बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट नेचुरली कैसा होता है। तो इसमें हम दो तरीके से उन्हें हमने क्लासिफाई किया हुआ है, एक होता है मैलिफिक और दूसरे होते हैं, मैलिफिक को आप अशुभ भी बोल सकते हो और दूसरे होते हैं बेनिफिक जिन्हें हम शुभ भी बोल सकते हैं। तो मैलिफिक प्लैनेट में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, सैटर्न शनि, मंगल मार्स, राहु केतु, ये मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। सूर्य एक ऐसा है सन जिसे मैलिफिक की जगह हम क्रूर प्लैनेट बोलते हैं, पूरी तरीके से मैलिफिक नहीं होता तो आप है ये मैलिफिक की तरफ भी, मैलिफिक को हम पाप ग्रह भी बोलते हैं। तो ये पाप ग्रह है मगर इसको पूरी तरह पाप ग्रहों की कैटेगरी में रखने की बजाय इसको क्रूर ग्रह माना जाता है ये भी मैलिफिक ही। इसके बाद नेचुरली बेनिफिक दो प्लैनेट्स होते हैं, एक है आपका जुपिटर मीन्स गुरु और दूसरा है आपका वीनस या शुक्र, ये दोनों बेनिफिक ही होंगे, इनका नेचर बेनिफिक है। अब बच गए आपके दो प्लैनेट, एक बचा चंद्रमा और एक बचा आपका बुध, मरकरी एंड मून। तो चंद्रमा और मून के लिए आप स्ट्रेट वे ये नहीं कह सकते ये मैलिफिक है या बेनिफिक है, आप इस बात को नोट कर लें, ये कंडीशनल बेनिफिक होते हैं। कंडीशनल बेनिफिक का मतलब जब बुध ग्रह अकेला किसी भी घर के अंदर बैठा हो, मरकरी अकेला किसी भी घर के अंदर बैठा हो तो वो बेनिफिक माना जाएगा। दूसरा वो किसी बेनिफिक प्लेनेट मतलब शुक्र या गुरु के साथ बैठा हो तो वो बेनिफिक ही होगा, मगर वो बाय द वे किसी मैलिफिक के साथ जाकर बैठ गया, शनि के साथ बुध बैठ गया, मंगल के साथ बुध बैठ गया, राहु के साथ बुध बैठ गया, तो वो उसकी तरह बिहेव करेगा। मगर मतलब क्या हुआ, बुध ग्रह या मरकरी
अकेला है तो बेनिफिक है, यदि वो किसी के साथ बैठा हुआ है तो जैसे प्लेनेट के साथ बैठा होगा वैसा ही हो जाएगा। यदि बेनिफिक के साथ बैठा है तो बेनिफिक होगा, और मैलिफिक के साथ बैठा है तो मैलिफिक होगा। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की या मून की। तो चंद्रमा हमारा ये भी कभी बेनिफिक होगा कभी मैलिफिक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूर्य से इसकी कितनी डिस्टेंस है, आपकी कुंडली के अंदर कितनी दूर है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 96 डिग्री का एंगल होगा, दोनों के बीच में 96 डिग्री का एंगल होगा, उससे कम है तो चंद्रमा आपका पाप ग्रह माना जाएगा या मैलिफिक माना जाएगा। और यदि दोनों के अंदर 96 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, एंगल आप आगे देखेंगे किस तरीके से हम निकालते हैं, हर एक प्लेनेट का एक लॉन्गिट्यूड होता है तो उससे हमें एंगल पता चलता है। यदि 96 डिग्री से वो आगे है सूर्य से या पीछे है, 96 डिग्री से ज़्यादा से यदि आगे या पीछे है तो वो शुभ ग्रह माना जाता है। तिथियों के बेस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, इसको हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ध्यान रखिएगा, से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, ये आपका क्या होता है कि जो चंद्रमा में, फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करूंगा, चंद्रमा जब भी आपका पूर्णमासी में आपका बिल्कुल अपोजिट होता है सूर्य से तो वो आपका बेनिफिक होता है। इसके बाद जैसे जैसे वो सूर्य की तरफ आना शुरू करेगा वो मैलिफिक होना शुरू हो जाएगा। तो वो सूर्य की तरफ जब आना शुरू होता है अष्टमी पूर्णमासी से, तो पूर्णमासी से सूर्य की तरफ जब चंद्रमा चलता है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष या ब्लैक हाफ आपका होता है। तो चंद्रमा आपका चलना शुरू हुआ और अष्टमी तक वो पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ चल रहा है तो अष्टमी तक है तो उसको हम शुभ मानेंगे। अष्टमी के बाद वो आपके सूर्य के पास आना शुरू हो जाएगा, नवी दसवीं आपका एकादशी द्वादशी, और ऐसे अमावस्या को वो आपका बिल्कुल सूर्य के पास चला जाता है। तो अष्टमी के बाद से लेके अमावस्या तक वो अशुभ माना जाएगा। फिर अमावस्या के बाद वो फिर आपका पूर्णमासी की तरफ चलता है तो आपकी पहली तिथि आती है, दूसरी आती है, तो अष्टमी तिथि तक इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ब्राइट हाफ। तो अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक वो जब चलता है तो फिर 8वीं तिथि तक उसको अशुभ ही माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि तक चंद्रमा को बेनिफिक मानेंगे और अदरवाइज उसको हम मैलिफिक कंसिडर करके चलेंगे। और डिग्रीज में वो जब सूर्य से 96 डिग्री आगे या 96 डिग्री पीछे हो तब तक तो वो अशुभ होगा, और उससे ज़्यादा आगे या पीछे हो तो शुभ होगा। और यदि आपने दूसरे तरीके से देखना है किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा को, रफली आप देख लीजिए 3 हाउसेस वो सन से आगे या पीछे है तब तक वो अशुभ होगा, और उससे ज़्यादा आगे या पीछे है सन से कुंडली के अंदर तो आप उसे शुभ मान सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब यहाँ पर कौन से ग्रह आपके नेचुरली शुभ होंगे या अशुभ होंगे इस बारे में आपको बताया। आपके 9 प्लैनेट्स टोटल होते हैं तो इनका इंट्रिंसिक बिहेवियर मैंने आपको बता दिया। इंट्रिंसिक मतलब इनके अंदर कैसा इनका नेचर है, कौन अपने आप में शुभ है और कौन अशुभ है। अलग अलग कुंडलियों में एक प्लेनेट जो नेचुरली या स्वाभाविक रूप से जो शुभ है किसी कुंडली के अंदर वो अशुभ भी हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम उनके नेचुरल बिहेवियर के बारे में ही बात करेंगे। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये मैंने नई सीरीज शुरू की है, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके शुरू किया है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं आपकी जानकारी में, आप उन्हें मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी कुंडली का यदि एनालिसिस कराना है, कोई कंसल्टेशन लेनी है, तो आप, मैंने जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है उसमें अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप भेज सकते हैं, अलोंग विथ आपको क्या जानकारी लेनी है। तो मैं बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपको जरूर जवाब दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन एज पर जेंडर। अब जैसे आप इंसान भी आपके क्लासिफाइड होते हैं 3 तरीके से, पुरुष, महिला
और आपके ऐसे लोग होते हैं जिनको कि हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपके प्लैनेट्स का भी क्लासिफिकेशन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो पुरुष या मेल प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट, एन्यूज प्लैनेट, ये हम बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मेल प्लैनेट्स में काउंट होता है आपका सूर्य, मंगल और जुपिटर, इन तीनों को मेल प्लैनेट कंसिडर करके चलते हैं, सन, मार्स एंड जुपिटर। फीमेल प्लैनेट्स में आपका होता है मून एंड वीनस। तो मून एंड वीनस का नेचर आपका फीमेल प्लैनेट्स का होता है, सोफिस्टिकेटेड प्लैनेट्स हैं कंपैरेटिवली। एंड एन्यूज प्लैनेट ये होते हैं आपके नपुंसक ग्रह जिन्हें बोलते हैं, वो है आपके सैटर्न एंड मरकरी। तो हम आगे जिस तरीके के, जैसे हमको पता करना है कि किसी के सन होगा या डॉटर होगी या किस तरीके की चीज़ें हैं, बिहेवियर, कोई आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, मैरिज होगी नहीं होगी, तो हमें नेचर ऑफ प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप ध्यान रखें, सैटर्न एंड मरकरी को नपुंसक प्लैनेट बोलते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे एज पर गुण, इंट्रिंसिक वैदिक क्वालिटीज। तो देखिए, तीन तरीके के गुण होते हैं। एक सत्व, सात्विक वो होता है जो कि अच्छे कर्म करता है। राजस्विक वो होता है जो कि कर्म करता है अपना अच्छा करने के लिए, जीवन अच्छा करने के लिए जो कर्म करता है वो राजस्विक होता है। एक होता है तामसिक जो कि बुरे कामों के लिए कर्म करता है, जिसके अंदर गंदी आदतें होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपके सात्विक प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर मतलब गुरु, सूर्य और चंद्रमा को सात्विक प्लैनेट माना गया है, इन तीनों को। राजस्विक प्लैनेट माना गया है मरकरी और वीनस को। राजस्विक प्लैनेट माना गया है मरकरी मीन्स बुध और वीनस मीन्स शुक्र को, और तामसिक प्लैनेट माना गया है मार्स एंड सैटर्न को। मंगल और शनि तामसिक हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन बात करेंगे इंट्रिंसिक नेचर, जो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यहाँ से फिर रिपीट कर रहा हूँ। नेचुरल मैलिफिक, नेचुरल मतलब स्वाभाविक रूप से जो पाप ग्रह हैं, वो आपके सूर्य, मंगल, सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, पर वो है एक तरीके के पाप ग्रह के करीबी। शनि, राहु और केतु, मरकरी बताया मैंने आपको पाप ग्रह के साथ है, जिसके साथ है वैसा ही बिहेव करेगा, अकेला है तो शुभ ग्रह होता है। और वेनिंग मून आपका पाप ग्रह होता है। वेनिंग मून का मतलब मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि जो चंद्रमा आपके सूर्य की तरफ जा रहा हो अमावस्या की तरफ, वो आपका, और अमावस्या से लेके अष्टमी तक आपका वो शुक्ल पक्ष में भी आपका क्या होगा, पाप ग्रह होगा, अदरवाइज वो आपका शुभ ग्रह होता होगा। तो शुभ ग्रह दो नेचुरल हमेशा जो शुभ ग्रह होंगे अनकंडीशनल, वो होते हैं आपके जुपिटर मीन्स गुरु और वीनस मीन्स शुक्र। मरकरी अकेला है तो शुभ ग्रह होगा, और शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ ग्रह होगा। इसी तरीके से चंद्रमा भी आपका जब पूर्णमासी की तरफ मूव करता है, अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, इसे हम बेनिफिक या शुभ ग्रह मानते हैं। यहाँ पर ये मैंने बता दिया है, सम कंसिडर सन एज ओनली ए स्लाइटली हार्श प्लैनेट, नॉट फुल्ली मैलिफिक, मगर यह है हार्श ही, पाप ग्रह की कैटेगरी की बजाय इसको क्रूर ग्रह नाम दिया हुआ है, पर क्रूर भी अपने आप में पाप ही होता है। और मरकरी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, तो ये सारे ग्रहों के बारे में उनके जो अलग अलग नेचर है वो मैंने आपको बताए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करें और मेरे वीडियोस को सीरियल वाइज देखते रहें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद मिलेगी। आप अपने कोई भी सजेशन या सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोस में आपके सुझावों को सम्मिलित कर सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।